उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाने इलाके में बदमाशों ने मामूली कहा सुने में मामा और भांजे को गोली मार दी। भांजे की मौत हो गई है। घटना सुभाष मोहल्ला की है। हरप्रीत गिल के सिर पर गोली लगी। वहीं गोविंद को जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया है। दिल्ली का ये भजनपुरा इलाका है जहां पर गोली चलने से हड़कंप मचा है। सुभाष मोहल्ला में मामा और भांजे के सिर पर गोली मारी गई। भांजे की मौत हो गई है। घायल गोविंद के मुताबिक 5 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP जॉय तिर्की का कहना है कि कुछ लड़के स्कूटी पर उनका पीछा कर रहे थे, फिर गली में कहासुनी हुई जिसके बाद बदमाशों ने दोनों को गोली मार दी। कुछ भी बात नहीं है, आधी सिर्फ फायर चल रही है। मेरे सर में गोली मारी, मेरे भांजे के सुनते मांगे गोली मारी। कितने 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 लोग थे मारने वाले? 5 लड़के थे। कहाँ की बात है, कहाँ की घटना है? सुभाष मोहल्ले 8 नंबर के। आपकी भी गोली लगी हुई भाई? अच्छा, कहाँ रेफर किया आपने? आपको क्या नाम है आपका? मेरा गोविंद सर। और जो दूसरा वाला भाई है जिसको गोली लगी, उसका क्या नाम है? अच्छा, वो दोस्त ही मेरा भांजा पूरा हो गया है। बड़े भांजे दोनों? नहीं, एक मेरे चाचे का मुंडा है, भरा है। अच्छा, हुआ किसी? मैंने पता नहीं, मैं तो घरे सी गा मेरे। गोली गोली मार के क्या पता चला? के दोनों दे गोली मार गए, सर पे गोली मार। और जो दूसरे हैं वो कौन है? वो मेरे चाचा का लड़का संजू। अच्छा, दोनों क्या काम करते हैं? ये तो अमेजोन में मेरा भांजा ATL है, और वो मोमोज की रेडी लगाता, पर फिलहाल नहीं लगा रहा। तो ये गोली मारने की वजह क्या, कोई रंजिश थी या? पता नहीं जी, मेरे को तो वो तो आए थे जैसे यहाँ कहीं पे आए होंगे। अब ये नहीं पर उसकी किसी लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं जी। ये पता नहीं अब क्या था। तो कानून जैसे देखा जाए G20 है, कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ की? पुलिस आई थी मौके पे? आप पुलिस DCP साहब भी पहुँचे थे, SHO नरेंद्र सिंह जी भी पहुँचे थे, और स्टाफ के थे, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट करी है जी, ये जितनी फुटेज वगैरह हुए तो पता करो इनको। सर, जो संजू है उसकी कैसी हालत है? वो ठीक है, उन्हें इधर ले गए थे इरविन। ये कौन सा हॉस्पिटल है? जयप्रकाश। प्रमोद शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रमोद, एक तरफ दिल्ली में G20 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने का दावा किया जा रहा है, इस बीच दो लोगों को स्कूटी से कुछ लोग पीछा करते हैं और गोली मारते हैं और फरार भी हो जाते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है दिल्ली की सिक्योरिटी को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस वक्त दिल्ली की सुरक्षा सबसे ज्यादा चाक चौबंद बताई जा रही थी, उसी बीच में कल रात को करीब 11:30 बजे भजनपुरा इलाके में एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो है हरप्रीत गिल और उसका दोस्त गोविंद जो है वो जा रहे थे, तभी स्कूटी और एक बाइक पर सवार 5 लड़के आते हैं और वो अचानक से बिना कोई बात किए हुए बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से हरप्रीत को गोली मारते हैं। गोली सर पे मारी जाती है जो कि आर पार हो जाती है, और गोविंद को भी गोली मारी जाती है। हरप्रीत की मौके पर ही मौत हो जाती है। हरप्रीत गिल के को बताया जा रहा है वो सीनियर मैनेजर जो एमेजन कंपनी है उसमें सीनियर मैनेजर के पद पे थे, और कल वो अपने दोस्त के साथ स्प्लेंडर बाइक पर गोविंद जो उनका दोस्त है जो कि हंग्री बर्ड नाम से एक मोमोज की दुकान चलाता है उसके साथ जा रहे थे। घर के पास ही जो है उनको गोली मारी गई है। हरप्रीत गिल की मौत हो गई है जबकि गोविंद जो है उनका इलाज चल रहा है। अब इस रक्ता के पीछे असली वजह क्या है इसके लिए इसको देखने के लिए पुलिस ने जो है हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, और आसपास के तमाम CCTV जो है वो खंगाले जा रहे हैं। दरअसल भजनपुरा वही इलाका है कि 2020 में दिल्ली दंगों से जो है काफी ग्रसित रहा था, और यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो है हमेशा से प्रॉब्लम रही है। लेकिन जिस तरीके से दो लोगों को टारगेट करके बिल्कुल उनके पास आके कोई भी लूटपाट का जो है अभी तक साइन नहीं दिखा है, क्योंकि लूटपाट करने के इरादे से गोली मारी गई है, इसके आपसी रंजिश थी या कोई और वजह थी, इसकी जांच के लिए पुलिस ने जो है वो कई टीमें बना दी है। प्रमोद, हमलावरों को क्या आइडेंटिफाई अभी तक किया जा सका है या नहीं?
देखिए अभी तक हमलावरों को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है, बीती रात की ये घटना है और उपाध्याय पुलिस लगातार तमाम जो इलाके के सीसीटीवी है उन्हें खंगाल रही है और साथ में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हरप्रीत गिल या फिर गोविंद की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, हर एंगल से जो है वो पुलिस जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका जानकारी के लिए। दो मामा भांजा जैसे आपने बताया ये लोग टू व्हीलर पे थे, बाइक पे थे और अभी हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं, लग रहा है कि चार पांच लड़के थे क्योंकि दो टू व्हीलर मैन के पीछे पीछे आए हैं और कुछ उनकी कहा सुनी हुई है, उसके बाद फायरिंग का एक्सीडेंट हुआ है। दोनों दोनों जो विक्टिम हैं दोनों के सिर पे लगी है, एक की डेथ हो गई है और एक अभी रेफर किया और एलएनजी पे लेके जा रहे हैं। की डेथ हुई उनका नाम हरप्रीत गिल है, उम्र 36 साल और जिनको चोट लगी उनका नाम गोविंद अभी कर रहे हैं।